सुप्रभात बच्चों, मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी के अंतर्गत व्याकरण, व्याकरण का पाठ 7 जो कि है समास, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। तो आइए बढ़ते हैं समास की ओर। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि है सम, धन, आस, जिसमें सम का अर्थ होता है पास पास, आस का अर्थ होता है बैठाना, अर्थात परस्पर पास बैठाना। अब यहाँ बच्चों, हमें किसे पास पास बैठाना है? यहाँ हमें बैठाना है शब्दों को पास पास। समास शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है संक्षिप्त। समास की प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे बच्चों। हमारे सामने यहाँ बच्चों दो चित्र मौजूद हैं। पहला चित्र है जो उसके नीचे लिखा है चंद्रमुख, दूसरे चित्र के नीचे लिखा है रसोई घर। चंद्रमुख शब्द का अर्थ होता है बच्चों चंद्रमा के समान मुख, और रसोई घर का अर्थ होता है रसोई के लिए घर। यहाँ हमने क्या किया, चंद्रमा के समान मुख शब्द को संक्षिप्त कर दिया और उसे बना दिया चंद्रमुख। इसी तरह से रसोई के लिए घर शब्द को हमने संक्षिप्त कर दिया और बना दिया रसोई घर। समास से तात्पर्य है संक्षेप या संयोग, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। परिभाषा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से बने हुए नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, सार्थक अर्थात जिसका कोई एक अर्थ हो, शब्दों को संक्षेप कर देते हैं, उनका संक्षेपीकरण कर देते हैं और एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, और यह जो प्रक्रिया होती है बच्चों, यह कहलाती है समास। आगे देखते हैं समस्त पद। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र जो शब्द है बच्चों, इसे हमने क्या किया, संक्षेपित कर दिया और एक नया शब्द बना दिया जो कि हुआ राजपुत्र। और जो राजपुत्र शब्द है वही हमारा है सामासिक शब्द या फिर समस्त पद। बच्चों, जब हम पदों की बात करते हैं तो समास की रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। जो पहले का पद होता है उसे हम कहते हैं पूर्व पद, जो दूसरा पद होता है उसे हम कहते हैं उत्तर पद। जैसे राजपुत्र शब्द में राज पूर्व पद है तथा पुत्र उत्तर पद है। समास विग्रह, समास के पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, राजपुत्र। राजपुत्र शब्द का जब हमने विग्रह किया तो वह बन गया बच्चों राजा का पुत्र। तो ये प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। आगे बढ़ते हैं समास के भेद। समस्त पदों के पद की प्रधानता के आधार पर समास को अनेक भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात समस्त पदों में कभी पूर्व प्रथम पद प्रधान होता है, कभी उत्तर दूसरा पद, एवं कभी दोनों पद, तो कभी दोनों को छोड़कर
कोई अन्य पद प्रधान होता है। इसी आधार पर समास के 6 भेद माने जाते हैं। अव्ययीभाव समास, इसमें बच्चों पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीही समास, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो आइए बच्चों एक बार पुनः हम देख लेते हैं समास के भेदों को। समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवा बहुव्रीही समास। बच्चों इन समास के नामों को याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारी इस ट्रिक में हमको एक शब्द याद करना है। वह शब्द है अतक दिगु द्वंद्व बव। अतक दिगु द्वंद्व बव, जिसमें अ शब्द से बनता है अव्ययी भाव समास, त से बनता है तत्पुरुष समास, क से बनता है कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बव से बनता है बहुव्रीही समास। इस तरह से बच्चों हमें केवल एक शब्द याद करना है जिसमें हमारे सारे समासों के नाम आ जाएंगे, और वह शब्द है बच्चों अतक दिगु द्वंद्व बव। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों का मेल होता है और उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है, किंतु समास में दो शब्दों का मेल होता है। किस तरह से बच्चों, उदाहरण से देखते हैं। यहाँ एक शब्द दिया है हिमालय। हिमालय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वह बन जाता है हिमधन आलय, और जब हम इसका समास करते हैं तो बन जाता है हिमालय, हिम के लिए आलय। दूसरा अंतर है समास में विभक्ति का शब्द का लोप हो जाता है, जबकि संधि में विभक्ति का शब्द का लोप नहीं होता है। कैसे? यज्ञशाला, यज्ञ धन शाला। और जब हम इसका समास करते हैं बच्चों तो हो जाता है यज्ञ के लिए शाला। और जिसमें समास शब्द बनाते समय हमारा के लिए शब्द का लोप हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं समास का महत्व। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अभिव्यक्त करना, यही विशेषता समास प्रक्रिया की जननी है। समास भाषा में संक्षिप्तता और कसाव लाते हैं। इसी के साथ बच्चों आज हमारा समास यहीं समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में हम समास के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे।